दोस्तों, मेरे कुछ कहने से पहले ये वीडियो क्लिप्स देखिए। इन मूवीज क्लिप में सिर्फ एक चीज पर फोकस किया गया है और वो है हैंड गेस्चर। दोस्तों, आज तक आपने YouTube पर बहुत से हैंड गेस्चर या हस्त मुद्रा के वीडियोस देखे होंगे। हर वीडियोस में बस कुछ कॉमन हैंड गेस्चर के बारे में बताते हैं, जैसे कि हाकनी मुद्रा, उत्तरवोधी मुद्रा, ध्यान मुद्रा। ऐसी बहुत सी हस्त मुद्राएं हैं जिनके बारे में आप गूगल पर जैसे ही फाइंड करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन मुद्राओं के अलावा भी बहुत सी ऐसी तांत्रिक मुद्राएं हैं, हैंड गेस्चर हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको देने चाह रहा हूं। और ये मुद्राएं आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं, और इस बात में जरा भी संदेह नहीं है। ये मुद्राएं आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। आप जिस देवता या देवी की पूजा या साधना करते हैं, आपको उनका सानिध्य दिला सकती हैं, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकती हैं। प्राचीन योगी ने इन मुद्राओं का बड़े गहन अध्ययन के बाद इन्वेंशन किया है, जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसीलिए मैंने ये मूवी क्लिप्स आपको दिखाई ताकि आप इस टॉपिक से रिलेट कर सके। नास्ति मद्रासमम किंचित सिद्धिम क्षिति मंडले, यानी कि इस पूरी दुनिया में मुद्राओं के समान सिद्धियां प्रदान करने वाला और कुछ भी नहीं है। प्राचीन योगी अक्सर स्वास्थ्य के बारे में गहन अंतर्दृष्टि और एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक प्राचीन खजाना है हस्त मुद्राओं का अभ्यास। माना जाता है कि विशिष्ट हस्त मुद्राएं हमारे भीतर छिपी शक्तियों को खोलती हैं। हस्त मुद्राएं हजारों वर्षों से विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा रही हैं। हस्त मुद्राओं को समझने के लिए आपको पहले प्राचीन प्रमाणों की गहराई में जाकर हस्त मुद्रा की योग्यता को समझना होगा। हस्त मुद्राओं के अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन, ब्रह्मांड ऊर्जा, मनोकामना, दैविक शक्ति और यहाँ तक कि आपके आपसी संबंधों को भी हस्त मुद्राएं एक नया आयाम दे सकती हैं। हस्त मुद्राएं सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि दैविक शक्ति और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी यूज किया जाता है। दोस्तों, वो बात अलग है कि आज के समय में इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और यूट्यूब पर आपको हस्त मुद्राओं का यूज बस एक हेल्थ और ब्रेन बेनिफिट के लिए बताया जाता है। अब मैं जो आपको हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, उन्हें तांत्रिक मुद्रा कहा जाता है। ये तांत्रिक हस्त मुद्राएं बहुत ही शक्तिशाली होती है, जो आपको किसी भी देवी और देवता का सानिध्य प्रदान कर सकती है और आपकी सभी मनोकामना को पूर्णतया सफल करने में सक्षम है। अगर आप किसी भी देवी और देवता की साधना करते हैं और अगर आप उनके साथ इन हस्त मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो आपकी साधना का सफल होना निश्चित हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी तांत्रिक हस्त मुद्राओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अत्यंत प्रभावशाली है और बहुत ही कम समय में आपको रिजल्ट दे सकती है अगर आप इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्की शर्मा ब्लेस्ड सूत्रा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अपने धर्म, संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हस्त मुद्राओं की शक्ति और प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले आपको मानव शरीर की मौलिक प्रकृति को समझना होगा। हमारा शरीर केवल जैविक इकाई नहीं है, मानव शरीर के भीतर विद्युत धाराओं का एक जाल बना हुआ है जिसके द्वारा हमारा पूरा शरीर ऑपरेट होता है। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां जिनसे होकर एनर्जी हमारे पूरे शरीर में बहती है, और उनमें से हजारों नाड़ियों की एंडिंग हमारी उंगलियों के अग्रभाग मतलब फिंगर टिप पर आकर होती है, और इतनी सारी नर्व्स और नाड़ियों के चलते हमारी उंगलियों के अगले हिस्से पर बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी एकत्रित रहती है। इसी एनर्जी को फिंगर के ऊपरी भाग यानी कि फिंगर टिप पर इलेक्ट्रिक इरिटेशन सेल्स का एक जाल बन जाता है जो कि एक एनर्जी डिफ्यूजर का काम करता है। इसलिए हस्त मुद्राएं लगाने के दौरान प्राण एनर्जी साधक को स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल बनाने के लिए प्राण एनर्जी शरीर और ब्रेन की तरफ बहना शुरू कर देती है, जिससे शरीर में प्राण एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। जैसे ही आपकी फिंगर्स किसी भी एलिमेंट को टच करती है, मैग्नेटिक फील्ड शरीर के इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो को निर्देशित करता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल हार्ट, ब्रेन, स्किन और मसल सहित बॉडी के सभी हिस्सों में बदलाव करना शुरू कर देता है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि फिंगर्स इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का बेहद ही पावरफुल ऑर्गन है। शरीर की इस विद्युत प्रकृति को हस्त मुद्राएं प्रभावित करती हैं और हमारे स्वास्थ्य और जीवन की एक नई वास्तविकता को जन्म देती हैं। दोस्तों, प्राचीन वेदों और ऋषियों के अनुसार माना जाता है कि हस्त मुद्राएं हमारे शरीर की ऊर्जा को संरेखित अलाइन करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है। मुद्राएं अशाब्दिक संचार का एक रूप है, वे शब्दों की आवश्यकता के बिना गहन अर्थ और इरादे को व्यक्त कर सकती हैं। उंगलियों और हाथों को विशिष्ट तरीकों से रखकर हम अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को प्रवाह और प्रभावित कर सकते हैं। न्यूरो इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करने वाले अध्ययनों से पता चला है कि विशिष्ट मुद्राएं मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकती हैं, और इससे पता चलता है कि ये हस्त मुद्राएं हमारे संज्ञानात्मक और भावनात्मक अवस्थाओं पर सीधा प्रभाव डालती हैं।
एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि ज्ञान मुद्रा जिसमें तर्जनी उंगली की नोक को अंगूठे की नोक से छूना शामिल है, जिससे बढ़ी हुई एकाग्रता और स्मृति से जोड़ा गया है। यह मुद्रा मस्तिष्क के फ्रंटल लोब को उत्तेजित करने का एक संकेत माना जाता है, जो निर्णय लेने, समस्याओं को सुलझाने और ध्यान जैसे उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। इन तांत्रिक हस्त मुद्राओं के बारे में मैं एक खास बात आपको बता देना चाहता हूँ। ये तांत्रिक मुद्राएं इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर आपको आज तक ध्यान साधना या पूजा करते हुए कोई भी ईश्वरीय संकेत नहीं मिला है या कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो इन मुद्राओं को करने के बाद इतना तो तय है कि आप इन मुद्राओं को यूज करने के बाद एक अलग ही दुनिया में होंगे, क्योंकि यह मुद्राएं आपका रिलेशन दैवीय शक्ति और ब्रह्मांड की शक्तियों से स्थापित करने में पूर्णतः सक्षम है। जैसे ही आप इन मुद्राओं को करना शुरू करते हैं, ये आपको एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस जरूर कराती हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। आगे आने वाली हस्त मुद्राओं में कुछ ऐसी मुद्राएं भी हैं जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हैं, आपकी किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकती है, और कुछ ऐसी भी हैं जो आप में आकर्षण की शक्ति को इतना अधिक इंक्रीज कर सकती हैं कि आपके आकर्षण का आधिपत्य सारा संसार महसूस करेगा। अब तक मैंने जितना भी बताया है वो सब सुनने के बाद एक क्वेश्चन माइंड में जरूर उठता है कि ये सब बातें मूवी तक तो ठीक है क्योंकि वो एक काल्पनिक फैक्ट पर बेस्ड है, लेकिन क्या वास्तव में हस्त मुद्राएं का प्रयोग करने से कोई भी साधारण मानव सुपर नेचुरल पावर प्राप्त कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वो कैसे होता है। सर्वप्रथम मैं आपको हस्त मुद्राओं के विज्ञान की दुनिया में लेकर चलता हूँ, क्योंकि इस नॉलेज से आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। प्राचीन वेदों के अनुसार हाथ की पांचों उंगलियों को पंच तत्वात्मक माना गया है। हाथों की पांचों उंगलियों को पंच तत्व का प्रतीक कहा गया है। तर्जनी उंगली वायु तत्व का, मध्यमा अग्नि तत्व का, अनामिका जल तत्व का तथा कनिष्ठा पृथ्वी भू तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठे को आकाश तत्व मतलब महादेव का प्रतिनिधि माना जाता है, और जब इन उंगलियों के द्वारा मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है तो मुद्राओं से तत्वों का परस्पर संयोग बन जाता है, और उस मुद्रा अभ्यास से संतुष्ट होकर देवी और देवतागण मुद्रा प्रदर्शित करने वाले साधक को अपनी कृपा प्रदान करते हैं। इन तांत्रिक मुद्राओं को करने से सिर्फ पाप ही नहीं, व्यक्ति के पाप समूह नष्ट हो सकते हैं, देवताओं का सानिध्य प्राप्त होता है तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। मुद्राओं के बारे में हजारों साल पुराने शास्त्रों में लिखा गया है कि तांत्रिक हस्त मुद्राओं की कुछ ऐसे स्पेशल हैंड गेस्चर या हैंड साइन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। मुद्राओं की हेल्प से हम अपनी पढ़ाई से लेकर अपनी हेल्थ, इनफैक्ट हमारी लाइफ की हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको तांत्रिक मुद्राओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली मुद्रा है बेलव मुद्रा, जिसमें व्यक्ति या वस्तु की इच्छा को मन में रखकर जब क्लीम मंत्र के साथ इस मुद्रा को करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती है। वह वस्तु या व्यक्ति आपसे आकर्षित होने लगता है जो आपके मन में है। बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा खड़ा करके उसे दाएं हाथ के अंगूठे से पकड़ें, फिर बाएं अंगूठे को पकड़े हुए दाएं अंगूठे से दाएं हाथ की सभी उंगलियों को जो पहले से ही अंगूठे को पकड़े हुए हैं उसे पकड़ें। साथ ही साथ काम बीच क्लीम मंत्र का उच्चारण भी करें। शास्त्रों में इस बिल्व मुद्रा को अत्यंत गोपनीय कहा गया है। इस मुद्रा को करने से आपके भीतर आकर्षण की शक्ति जागृत होती है और आपके ओरा में एक गजब का आकर्षण बनने लगता है। दूसरी मुद्रा है सर्वाकर्षणी मुद्रा। यह मुद्रा माँ काली का आशीर्वाद प्रदान करती है। तर्जनी को ऊपर रखें तथा कनिष्ठा एवं अनामिका को नीचे रखते हुए अंगूठे से दबाएं। इस मुद्रा को आकर्षणी तथा सर्व आकर्षणी मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा को करते समय आप माता के मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे का जाप कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति इस मुद्रा का अभ्यास करता है उस व्यक्ति में त्रिलोक को वश में करने की शक्ति पैदा हो जाती है। अगर आप संसार में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो यह मुद्रा आपकी सहायता जरूर करेगी। तीसरी मुद्रा है लक्ष्मी मुद्रा। माँ लक्ष्मी की अर्चना में केवल एक लक्ष्मी मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है। पहले चक्र मुद्रा बनाएं, फिर मध्यमाओं को फैला दें, तत्पश्चात अनामिका और कनिष्ठा के बीच से अंगूठे को बाहर निकालें। यह लक्ष्मी मुद्रा चल अचल संपत्तियों को देने वाली है। इस मुद्रा को करते समय अपने मन में ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करें। इस मुद्रा के बारे में प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति इस मुद्रा को करता है वह व्यक्ति चल और अचल संपत्ति का मालिक बन जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि लक्ष्मी माता इस मुद्रा से बहुत ही अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती है। चौथे नंबर की मुद्रा है सर्व महाकुंशा मुद्रा। दोनों अनामिका को अधोमुख करके मिलाएं, फिर दोनों तर्जनियों को भी उसी प्रकार अंकुशाकार करके मिला दें। यह महामुद्रा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाकुंशा मुद्रा है। इसी को सर्व महाकुंशा मुद्रा भी कहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही, आप एक बार इस मुद्रा को जरूर करें। आप जिस भी देवता और देवी को मानते हैं उनका ध्यान करके इस मुद्रा को करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। इन सभी मुद्राओं को आपको 5 से 10 मिनट तक करनी है,
और यह अभ्यास आपको कम से कम 41 दिन करना है। यह सभी जानकारी वृहद तांत्रिक मुद्रा महाविज्ञान से ली गई है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।